हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ श्री श्याम स्कूल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ थर्ड चैप्टर ऑफ फोर्थ क्लास EVS बुक। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था नीड ऑफ क्लॉथ्स, फाइबर्स, टाइप ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। द क्लॉथ्स वी वियर, कपड़े जो हम पहनते हैं। इन हॉट वेदर वी वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ कॉटन, जो ज़्यादा गर्मी होती है, जो गर्मी के मौसम में हम क्या करते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं। कॉटन क्लॉथ्स अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप, क्योंकि जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो गर्मियों में हमारी बॉडी को रिलैक्स रखते हैं। वाइट और लाइट कलर्ड क्लॉथ्स सूट द हॉट वेदर, बिकॉज गर्मियों में हम जब ज़्यादा गर्मी होती है तो वाइट और लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि दे रिफ्लेक्ट द हीट एंड कीप द बॉडी कूल, क्योंकि जो लाइट कपड़ा होता है वो काफ़ी हल्का होता है और उसमें से जो है हवा पास हो जाती है जो हमारी बॉडी को ठंडा रखती है। कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब हीट ऑल्सो, जो कॉटन कपड़े होते हैं सूती, वो जो है पसीने को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। इन कोल्ड वेदर वी वियर वूलन क्लॉथ्स, और ठंड में क्या होता है, हम लोग जो हैं गर्म कपड़े पहनते हैं। वूलन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी वार्म, जो गर्म कपड़े होते हैं वो हमारे बॉडी को, शरीर को गर्म रखते हैं। पीपल लिविंग इन डिफरेंट रिलीजन्स वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट, द क्लाइमेट एंड ट्रेडिशन ऑफ द रीजन्स। पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, विभिन्न क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग होते हैं वो विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं, और ये जो है उस क्षेत्र की जलवायु और परंपरा पर निर्भर करता है कि भाई क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, ट्रेडिशनल मतलब फैशन कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग जो है कपड़े पहनते हैं। द ड्रेस ऑफ पर्सन लिविंग इन श्रीनगर, जो कपड़े होते हैं आपने देखा होगा श्रीनगर के, उनका ट्रेडिशनल अलग होता है, विल डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पर्सन लिविंग इन चेन्नई और जयपुर। जो चेन्नई के लोग होते हैं और जयपुर के लोग, उनसे जो अलग ड्रेसअप होता है वो श्रीनगर का, मतलब हर एक स्टेट की अलग अलग ड्रेस होती हैं। पीपल लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, हर एक देश में रहने वाले लोग जो हैं विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। द काइंड ऑफ क्लॉथ्स दे वियर डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ वेदर इन द रीजन्स वेयर दे लिव, जो है अलग अलग तरह के जिस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं उस क्षेत्र में मौसम के प्रकार पर निर्भर करता है, भाई कैसा क्लाइमेट है, कैसा वेदर है, उसी तरह से कपड़े पहने जाते हैं। सम ऑफ दीज क्लॉथ्स हैव बिकम नेशनल ड्रेसेस, कुछ जो हैं इनमें से राष्ट्रीय कपड़े बन गए हैं, जैसे कि द नेशनल ड्रेस ऑफ इंडियन वुमेन, जो भारतीय महिला है उनकी जो राष्ट्रीय पोशाक है वो क्या है, साड़ी, एंड दैट ऑफ जैपनीज वुमेन इज किमोना, जो जैपनीज महिला होती हैं उनकी जो भारतीय ड्रेस है वो क्या है, उनकी किमोनो। पीपल वियर स्पेशल क्लॉथ्स, कुछ लोग जो हैं विशेष कपड़े पहनते हैं फॉर स्पेसिफिक वर्क के लिए, अपने कुछ स्पेशल वर्क्स के लिए, जैसे कि डॉक्टर्स नर्स वियर वाइट कोट्स, आपने देखा होगा डॉक्टर्स और जो नर्स जो होते हैं वो सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं। और सोल्जर वियर अ यूनिफॉर्म, जो एक सैनिक होता है वो क्या पहनता है, अपनी यूनिफॉर्म मेड फ्रॉम टफ मटेरियल, जो है काफ़ी ठोस मटेरियल से बनी होती है, सो दैट इज़ नॉट टियर ईजली, जो आसानी से नहीं फट सकती। वी वियर यूनिफॉर्म, एक छात्र जो है वो छात्र के रूप में पहचाना जा सके, इसलिए वो क्या पहनता है, स्कूल यूनिफॉर्म, जिसे देख के पता चले कि ये बच्चा जो है स्कूल का है। देखिए ये क्या है, जापान की किमोनो ड्रेस, और जो इंडियन की साड़ी, ये हमारी भारतीय पोशाक है और ये जापान की। मेकिंग प्रोसेस ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ा बनाने की प्रक्रिया। द प्रोसेस ऑफ क्लॉथ्स मेकिंग इन्वॉल्व्स दीज स्टेप्स, जो कपड़ा बनाने की प्रक्रिया है उसमें ये सब चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि मेकिंग थ्रेड्स ऑफ यार्न, जो धागा बनाना, व्यूविंग बुनाई,
डाइंग एंड ब्लीचिंग, रंगाई जिसे हम ब्लीच कहते हैं, जिस कपड़े पर रंग चढ़ाते हैं उसको क्या कहते हैं हम, डाइंग। प्रिंटिंग, फिनिशिंग एंड स्टिचिंग, फिर उस कपड़े पर प्रिंट करते हैं, फिर उसको फिनिशिंग देते हैं और फिर जो है वो सिलने के लिए तैयार हो जाता है। ये क्या है, मेकिंग प्रोसेस ऑफ क्लॉथ्स। मेकिंग थ्रेड्स और यार्न, धागा बनाने की प्रक्रिया। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थ्रेड्स और यार्न्स फ्रॉम द फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। जो फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं कताई, मतलब धागे की कताई करना। इन ओल्डन डेज पीपल यूज टू स्पिन ऑन अ स्पिनिंग व्हील कॉल्ड द चरखा। जो पुराने ज़माने में लोग चरखे नामक चरखे को घुमाते थे और फिर चक्कर लगाने से जो है धागे की कताई करते थे, किससे, चरखा। ये देखो ये क्या है, चरखा, ये देखा होगा आपने, गांधी जी भी इसको काटते थे, चलाते थे इसको, फिर इस पर धागा बनाते थे, इस पर धागा चढ़ा हुआ है ऐसे, ठीक है। पर्सन एंगेज्ड इन स्पिनिंग आर कॉल्ड स्पिनर। जो लोग धागों की कताई करते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पिनर्स। क्या कहते हैं उन्हें, स्पिनर्स। जो फाइबर होता है उस फाइबर से धागा बनाते हैं, धागा बनाने के बाद फिर कपड़े की आगे की स्टिचिंग